रक्षा मंत्रालय ने आज से अग्निपथ स्कीम की शुरुआत कर दी है। वहीं अग्निपथ स्कीम को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की है। सीएम ने कहा कि अग्निपथ स्कीम से रिटायर्ड जवानों को उत्तराखंड पुलिस भर्ती में वरीयता मिलेगी, साथ ही अन्य विभागों में भी प्राथमिकता दी जाएगी। दरअसल अग्निपथ स्कीम में भर्ती के लिए युवाओं की आयु 17 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। युवाओं को ट्रेनिंग पीरियड समेत कुल 4 सालों के लिए आर्म्ड सर्विसेज में सेवा का मौका मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सराहना की। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी ऐलान किया कि अग्निपथ सेवा के बाद रिटायर्ड हुए जवानों को उत्तराखंड पुलिस में प्राथमिकता दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ स्कीम का ऐलान करते हुए कहा कि इससे सेना में शॉर्ट टर्म बहाली हो पाएगी। वहीं तीनों सेना प्रमुखों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने की दिशा में आज सुरक्षा मामलों की संसदीय समिति ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। जहाँ भारतीय सेना विश्व को बेहतरीन सेना बनाने की दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। युवाओं के लिए 4 साल सेना में भर्ती कराया जाएगा। इसके दौरान उनको अच्छा वेतनमान देने का काम भी भारत की सरकार के द्वारा होगा। सेना की 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को भविष्य के लिए अन्य अवसर भी दिए जाएंगे। 4 साल की नौकरी के बाद उनको सेवानिधि पैकेज भी मिलेगा। इस योजना के तहत भर्ती किए जाने वाले ज़्यादातर जवानों को 4 साल बाद मुक्त किया जाएगा। हालांकि कुछ जवान अपनी नौकरी को जारी भी रख पाएंगे। उत्तराखंड सरकार, क्योंकि ऐसे अग्निवीर जो भी होंगे उन अग्निवीरों को अपने यहाँ जो हमारे यहाँ पर पुलिस की भर्ती होगी उस पुलिस की भर्ती में हम प्राथमिकता से उन जवानों को अपने यहाँ पर अवसर देंगे और उनको प्राथमिकता से सेवा उनकी यहाँ पर भी शुरू हो उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे।